साहब, दो सुपारी किलर मेरी हत्या करने पिस्तौल लेकर घूम रहे हैं। थाने में नहीं हुई सुनवाई, पीड़ित ने एसपी से लगाई मदद की गुहार। खबर शिवपुरी जिले के एसपी ऑफिस से है, जहां मंगलवार को पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में पहुंचे एक युवक ने दो सुपारी किलर बदमाशों से अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई, जिस पर पुलिस अधीक्षक हेल्प डेस्क से युवक का आवेदन पुलिस थाने को भेजकर युवक को इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। जानकारी के अनुसार अजित यादव निवासी बादली थाना मायापुर ने बताया कि उसके गांव के राजू यादव ने साल 2007 में जमीनी विवाद के कारण उसके दादा की हत्या कर दी थी। तभी से राजू यादव से उसकी पुश्तैनी दुश्मनी चली आ रही है। वर्तमान में राजू यादव द्वारा बड़े पैमाने पर जुआ खिलाया जा रहा था, जिसकी शिकायत उसने थाने में कर दी थी, जिससे नाराज राजू यादव ने इंद्र वंशकार और दीपक यादव को उसे जान से मारने की सुपारी दे दी। यह दोनों लोग हाथ में पिस्तौल लिए उसे जान से मारने की फिराक में घूम रहे हैं। बीती 6 मार्च को दोनों ने उसे पर हमला भी कर दिया, जिसकी शिकायत उसने मायापुर थाने में की, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई किए जाने की गुहार पुलिस अधीक्षक से लगाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजीत यादव। कहाँ से आए हो? थाना मायापुर से आया हूँ, ग्राम बादली से। एसपी ऑफिस आए हो, किस लिए आए हो? मैं इसलिए आया हूँ, मेरे पीछे दो आदमी लगा दिए हैं राजू यादव ने जान से मारने के लिए। उन लोगों ने मुझे मेरे घर पर भी 6 तारीख की रात में हमला किया था। 7 तारीख को मैंने थाने में आवेदन दिया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। राजू यादव कौन है? राजू यादव गाँव का ही है, मेरे गाँव का ही है। और उसने दो आदमी धर्मेंद्र वंशकार और दीपक यादव को लगाया जान से मारने के लिए। पूर्व में भी वो हमारे साथ घटना कर चुके हैं, पहले दादाजी का मर्डर किया था, उसमें भी इसका नाम था। मैंने उसकी FIR लगा दिया है एसपी ऑफिस में। किया था मर्डर 2007 में, उसी की दुश्मनी को चलते। तो मर्डर क्यों किया था, उसके पीछे क्या कारण था? यही कारण था, जमीनी विवाद का। पहले जमीनी विवाद है कारण। तो अभी आपसे भी वो, अब मुझे भी जान से मारने की कोशिश कर रहा है। वो क्या है, गाँव में चलवाता था जुआ, तो उसको मैंने वो गाड़ी मेरे दरवाजे पर लगवाता था, तो मैंने इस चीज़ से मना किया, तो उसने मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की। अभी वो मेरी मतलब मेरे परिवार को कभी भी कोई भी नुकसान पहुँचा सकता है। एसपी साहब ने क्या कहा आपसे? अभी एसपी साहब मिले नहीं है मुझे, और उन्होंने आवेदन लेके मार्क कर दिया है। तो जुआ कौन सा चलवाता है वो? वो बड़ा भर चलवाता है, टांग वाला। अच्छा, हाँ, 100-100 लोग बैठते हैं, लाखों की तादाद। पुलिस कार्रवाई नहीं कर देगी? नहीं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। तो पुलिस क्या कहती है वहाँ की इस मामले में? आप पुलिस कहती है, मैं बुलवा रही हूँ उसको, मैडम पहुँची हैं अभी। पहले दूसरे थे दरोगा जी, तो उन्होंने कुछ नहीं करा था, तो फिर अभी नई मैडम पहुँची हैं वहाँ पर, तो मैडम बोल रही मैं बुलवा रही हूँ। तो अब कार्रवाई नहीं होती तो फिर क्या करोगे? मैं क्या करूँगा, मैं तो अब मेरे साथ कोई भी घटना होती है तो इसके जिम्मेदार राजू और दीपक और धर्मेंद्र रहेंगे, वो मतलब जो भी हैं मेरे या मेरे परिवार के साथ।